So, hello everyone, how are you all guys? I just hope that we are live. Yes, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं. I'm extremely sorry guys, we are a bit late, but there was some technical glitch. ठीक है, there was some technical glitch due to which I was unable to come live, and but finally we are here. ठीक है. गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं? जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि अक्की सर इज लाइव, सो दैट वी कैन गेट स्टार्टेड. ठीक है. सो बेसिकली गाइज, यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 लिखा है, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर, बट आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 पर हैं क्योंकि हमारा कल लेक्चर नहीं हो पाया था. तो इस लेक्चर को मैं बाद में रीनेम करवा दूंगा टीम से. ठीक है, सो दैट इज नॉट टू वरी अबाउट इट. लेकिन आज अभी हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर नंबर 1 करेंगे. ठीक है, जहाँ पर चैप्टर नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं. तो चैप्टर नंबर 1 के करीबन 46 एमसीक्यूज है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व दैट एमसीक्यूज. ठीक है, क्या तुम तैयार हो? सारे बच्चे यहाँ पर, क्या तुम तैयार हो? सी गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बेसिकली दिस इज टू बी डन बाय यू. ठीक है, आप लोगों को ये बेसिकली करना चाहिए घर पे, बट मैं आपको सारा सब कुछ करवा रहा हूँ ये समझ कर कि आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या है आंसर क्या नहीं है. ठीक है. यस, अनु कह रही है सर प्लस वालों को लेनी है. यस, ये वाली क्लास तो सबको लेनी है, चाहे प्लस हो या नॉन प्लस हो, सबको ये क्लास लेनी है, बिकॉज एमसीक्यू की प्रैक्टिस, टेक्निकल लैंग्वेज की प्रैक्टिस यहाँ पर हम लोग करते हैं, जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज भी मार्क करवा कर जनरली देता हूँ. हम लोग को यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी गेन होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में. सो एमसीक्यू वेब सीरीज आई वुड सजेस्ट एवरी वन टू अटेंड, एंड देयर फॉर पर्पजली आई हैव किप्ट एट सच अ टाइम व्हेन यू आर हैविंग नो अदर प्लस क्लासेस. ठीक है, सो मैंने इसीलिए इस टाइम पर रखा है. सो आई होप दैट यू गॉट इट. ठीक है, चलिए सो शुरू करें. अरे भगवान, तुषार खतरनाक वाले शायरी मान रहे हैं तुम. ठीक है. यस, चलिए चलिए. ओके, सो लेट द मैजिक बिगिन गाइस. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज ए इम्पॉर्टेंट बिकॉज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्कैर्स. इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आर स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द सोसाइटीज अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स. रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड ऑल ऑफ द अबव. सो बताइए गाइस, व्हाट इज द आंसर? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा इसका. क्या लग रहा है आपको? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आर अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड नीड्स आर फाइनेट और स्केर्स. इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है. तो ऑल ऑफ द अबव इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर. यस, ऑल ऑफ द अबव इज एब्सोल्यूटली द राइट आंसर. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज The tools of microeconomics involves practical application of economic theory in business decision making, incorporates the tool from multiple disciplines. B and C both. So sir, ये lecture number 1 का है. जी हाँ नेहा थोरा जी, ये lecture number 1 का है. जैसे कि मैंने lecture के start में ही कहा कि हम लोग कल lecture नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 करेंगे. इस वाले जो लेक्चर को मैं रीनेम कर दूंगा, ठीक है, मेरे टीम से. बिल्कुल सही जवाब, डी फॉर डागाटेन. डी फॉर डागाटेन, डी फॉर डागाटेन, दैट इज इट. इन्वॉल्व द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड इनकॉर्पोरेट द टूल्स ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स. तो पहला वाला भी डी फॉर डागाटेन, दूसरा वाला भी डी फॉर डागाटेन. लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स. हियर वी गो, समथिंग जस्ट लाइक दिस. In economics, we use the term scarcity, scarcity to mean absolute scarcity and lack of resources in less developed countries. Relative scarcity
That is scarcity in relation to the wants of the society. Scarcity during the times of the business failures and natural calamities, and scarcity comes on account of excessive consumption by rich. So बताइए क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पर सारे बच्चे कह रहे हैं आंसर बी. तो बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब है रिलेटिव स्कैर्सिटी, दैट इज स्कैर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ लेस डेवलप कंट्रीज में है या फिर डेवलप कंट्रीज में है या फिर हर जगह पर है, हर जगह पर है. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेस डेवलप कंट्रीज में ही स्कैर्सिटी है, डेवलप कंट्री में स्कैर्सिटी नहीं है. एवरी वन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी. यस ठीक है. सो वॉट इम्प्लीकेशंस डज रिसोर्स स्कैर्सिटी हैव फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्ट्स? सो नॉट ऑल वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड. वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइसेस. वी मस्ट डेवलप द वेज टू डिक्रीज द आर इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यू नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज आर एबिलिटी टू सेटिस्फाई द वॉन्ट्स. सो गाइज, वॉट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस? बिल्कुल सही जवाब, ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर डागाटेन. तो यहाँ पर आंसर क्या है? ए फॉर अक्की भैया, है ना, ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर डागाटेन. राइट राइट ओके. सो द राइट आंसर इज ए, बिकॉज नॉट एनी ऑफ द वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड. सो नॉट ऑल द वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड इज द राइट आंसर. यस, ए फॉर ऑसम सर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव? देखो यार, अभी तक मुझे एक चीज समझ में आई कि हम लोगों को स्कैर्सिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे. देखना यहाँ पर स्कैर्सिटी का महत्व समझ रहे हो आप लोग? हाँ, स्कैर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो तो मेरे हिसाब से स्कैर्सिटी पर थोड़ा सा फोकस दिया गया पहले चार सवाल में. जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? देखो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव पे बहुत सारे सवाल हैं, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव पे बहुत सारे सवाल हैं. अपने को अभी याद रखने का कि इसमें से कौन सा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है. सो प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट द रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइजेज ओवर द पास्ट डेकेड. देर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवर्टी इन द मार्केट इकोनॉमीज देन प्लान्ड इकोनॉमीज. Reducing the inequality should be a major priority of for the mixed economy. So बताइए. बिल्कुल 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 सही जवाब, normative statement. हमने देखा था should be, ought to be, should be, ought to be. तो यहाँ पर देखिए should be, तो ये हमारा normative statement है. तो देखो यार, मैं आप लोगों को यहाँ पर important important MCQs में mark करवाते रहूँगा, किस पर ज्यादा क्वेश्चंस आए वो भी हम लोग यहाँ पर एनालाइज करते रहेंगे. तो अभी नॉर्मेटिव पर और देखना, फिर से स्कैर्सिटी पर आ रहा है सवाल. सो इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैर्सिटी इम्पोजेस लिमिटेशन ऑन, तो स्कैर्सिटी इम्पोजेस लिमिटेशन ऑन हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड नेशन एज अ होल. हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म बट नॉट द गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट द फेडरल गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट बट नॉट द बिजनेस फर्म. तो यहाँ पर बेटा व्हाट इज द राइट आंसर प्लीज मुझे बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत आसान है, ए फॉर अक्की भैया. यस, ए फॉर अक्की भैया, ए फॉर अक्की भैया. क्योंकि यार ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट वाले को स्कैर्सिटी नहीं होती है, हाउस होल्ड्स को भी होती है, गवर्नमेंट को भी होती है, बिजनेस फॉर्म्स को भी होती है, सबको होती है. राइट, तो स्कैर्सिटी तो यार सबको होती है. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स, नन ऑफ द अबव. बताइए. बिल्कुल 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 सही जवाब, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर.
आई होप दैट गाइस आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो यार, ये मेरे लिए इतना कैश मार्क्स वाला होना चाहिए कि मुझे माइक्रो और मैक्रो पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर मुझे माइक्रो और मुझे मैक्रो पर सवाल आते हैं तो ये मैं कोई भी हालत में क्रैक मुझे करते आने चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द थिंग्स दैट कम इन एग्जाम्स दैट मे अराइज इन एग्जाम। तो ये वाला जो है मेरे लिए क्या हो जाता है, कैश मार्क्स साबित होता है। कैश मार्क्स, आई कैन नॉट लूज माई मार्क्स इन सच क्वेश्चंस, आई कैन नॉट लूज माई मार्क्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज 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 एकदम अच्छे से कर दो, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने नॉर्मेटिव पर सवाल देखा था, अब ये देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक पर सवाल है, ठीक है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस शुड बी वुड बी एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द फूड एंड द क्वांटिटी परचेज, डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम इच पर्सन शुड बी गारंटेड, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ द गुड, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट इन द इकोनॉमी। ऑफकोर्स रविराज प्लस को भी ये देखना है, नॉन प्लस को भी देखना है, सबको देखना है बैठाइए। सी एस वाले बच्चे हैं वो भी देख लो, सी एम ए वाले बच्चे वो भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही। पॉजिटिव क्या बोलता है, पॉजिटिव एक जस्ट प्लेन स्टेटमेंट होता है, प्लेन स्टेटमेंट, राइट। सो ए फॉर अकी भैया इज द राइट आंसर, ए फॉर अकी भैया इज द राइट आंसर फॉर दिस, राइट राइट। अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीजेस इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो डिस्क्रिप्टिव माइक्रो नॉर्मेटिव। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट इज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इट्स डेफिनेटली द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगेन इट्स ए फॉर अकी भैया, ए फॉर अकी भैया। तो राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग योर अगेन कि माइक्रो और मैक्रो पर अगर कोई भी सवाल आते हैं तो दीज आर आवर कैश मार्क्स। तो प्लीज ध्यान में रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पहले मैक्रो पर सवाल आया था, अभी फिर से एक मैक्रो पर सवाल आया है, अभी फिर से एक मैक्रो पर सवाल आया। सो दीज आर कैश मार्क्स फॉर मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू लूज माई एनी ऑफ द मार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच। सो जी एन पी इज द मैक्रो, फाइंडिंग द केसेज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी लिमिटेड, आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन अगेन इज अ मैक्रो, एनालाइज द कॉजेज एंड द फेलियर ऑफ द इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इज अ मैक्रो। बट यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एबीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, वन पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन द माइक्रो वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द क्वेश्चन इज अगेन ऑन द माइक्रो, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट योर कैश मार्क्स। तो मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी मार्क्स जाने नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग इट? बी फॉर बी है बेटा, ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर डागाटेन, बी फॉर बी, सी फॉर सी, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ ओके। आदर्श पांडे, आदर्श पांडे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन देखे बिना, आंसर देखे बिना डायरेक्टली आंसर नहीं करना है आदर्श पांडे, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। हमको यहाँ पर सिर्फ आंसर देख के नहीं करना है, हमको यहाँ पर जेन्युइनली डिसिप्लिन के साथ हमारा सही आता है गलत आता है वो करना है। अभी तक तो मैंने आंसर भी नहीं बताया, क्वेश्चन भी नहीं बताया, डायरेक्टली तुम 11 का डी बोल रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है आदर्श भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद भले आंसर दो, ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। हाँ बी फॉर बाहुबली टीम, ठीक है, बी फॉर बाहुबली टीम, ए फॉर अक्की भैया, बी फॉर बाहुबली टीम, ठीक है, यस, एंड डी फॉर डागाटेन। सो अभी देखना है यहाँ पर हमें नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को समझना है, नॉर्मेटिव को। तो नॉर्मेटिव यहाँ पर क्या है, ये देखो, ought to, should be and ought to be, should be and ought to be, देखो। सो ये वाला जो है ये नॉर्मेटिव है, यस, डी फॉर डागाटेन, डी फॉर डागाटेन, ठीक है, यस, गेटिंग
एवरीवन यस। तो भाई और बहनों जल्दी से अटेंडेंस वगैरह भी लगा दीजिए भाई। ये क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी कंजूसी काहे दिखा रहे हो, इतनी कंजूसी काहे दिखा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैर्सिटी। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेर मोस्ट पीपल वेर फार्मर्स, माइथिकल इकोनॉमी वेर एवरीबडी इज बिलियनियर, एन इकोनॉमी वेर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग इट्स पीपल एंड नन ऑफ द अबव। सो कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग एंड डिसाइड इकोनॉमी इज विदाउट द स्कैर्सिटी। विच ऑफ द इकोनॉमी इज विदाउट द स्कैर्सिटी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये, लेकिन यहाँ पर जनरली बच्चा गलत हो जाता है क्योंकि वो जनरली यहाँ पर नन ऑफ द अबव लिखता ही नहीं है। सो नन ऑफ द अबव भाई, फिर से स्कैर्सिटी पर सवाल आया है। मैंने आपको बोला था चाहे वो डेवलप्ड कंट्री रहो, अंडर डेवलप्ड रहो, बिलीनियर रहो, कुछ भी रहो, स्कैर्सिटी हर एक इंसान को होता है, हर एक कंट्री को होता है, हर जगह पर होता है, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग इकोनॉमी हो, कुछ भी रहने दो, ठीक है, स्कैर्सिटी रहना ही है। समझा एवरीवन? चलिए ऑसम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सी द अगेन द क्वेश्चन इज ऑन माइक्रो और मैक्रो है ना, सो ये माइक्रो पर है। तो इसमें से कौन सा माइक्रो नहीं है? द प्राइस ऑफ द मैंगोज, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इंडिया, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस बाय द फॉर द मैंगो मार्केट, द नेशनल इकोनॉमी एनुअल ग्रोथ रेट। ऑब्वियसली डी फॉर डागाटेन, ऑब्वियसली डी फॉर डागाटेन। कितना आसान है भाई ये, नेशनल एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहे हैं ये, नेशनल एनुअल ग्रोथ रेट। सो इट्स एब्सोल्युटली डी, इट्स एब्सोल्युटली डी, राइट? सो गाइस मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जो भी अगर तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड इन हो गए, दोस्त हो गए, दोस्ती हो गए, जो ये सेशन को अटेंड आज नहीं किए हैं, ठीक है, उनको प्लीज बता दीजिएगा कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू अटेंड। बिकॉज क्या होगा ना, एक तो वो बोलते हैं कि सर हमको टेक्निकल भाषा समझ नहीं आती है, तो अभी हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, वॉट एवर इट इज। तो एटलीस्ट दे शुड बी प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ सेशन, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट, ठीक है। सो उनको जरूर बता दीजिएगा, राइट? ओके। सो द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थियोरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। बहुत सिंपल है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ए फॉर अक्की भैया, ए फॉर अक्की भैया। सो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। शुड आ फर्म बी इन द बिजनेस, हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट प्राइस, एंड एट प्राइस शुड बी किप्ट, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, एंड हाउ शुड डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। बहुत ही सिंपल है ये, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर, डी फॉर डागाटेन। यार कितने सारे, तो ए फॉर अक्की भैया, डी फॉर डागाटेन नहीं आ रहे हैं, कितने सारे, कितने सारे हम लोगों ने देख लिए। इट्स आइदर ए फॉर अक्की भैया और डी फॉर डागाटेन। क्योंकि यहाँ पर देखो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यस। सो अगेन दिस वॉज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द माइक्रो एंड मैक्रो, है ना। तो माइक्रो एंड मैक्रो मतलब कैश मार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। देखो, पॉजिटिव पर सवाल आया था, नॉर्मेटिव पर सवाल आया था, नॉर्मेटिव पर आया था और फिर से नॉर्मेटिव पर आया है। सो मिनिमम वेज रेट शुड बी रेज्ड एट 200। शुड, जब भी तुम लोगों को क्या दिया है, ओपिनियंस दिए गए हैं, ओपिनियंस, तुम्हारे वैल्यू जजमेंट्स, वैल्यू जजमेंट, ठीक है सर। बुक मेकर्स ऑल्सो लव ए फॉर अकिबे एंड डी फॉर डागाटेन लाइक अस। बिल्कुल सही जवाब बेटा, वंशी का बंसल, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। राइट राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ टॉपिक ऑफ स्टडी और इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अगेन द क्वेश्चन इज ऑन मैक्रो। सी, वी आर आइडेंटिफाइंग द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट इंस्टीट्यूट इज आस्किंग। मैक्रो और माइक्रो पे बहुत है, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पे बहुत है, स्कैर्सिटी इज द थर्ड कैटेगरी जिस पर भी बहुत है। सो द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द वेजेस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री, द इफेक्ट ऑन द स्टील प्राइसेस फॉर मोर स्टील इज इम्पोर्टेड, द इन्फ्लेशन रेट। यस, ये है सी आंसर है सी। मैक्रो पूछा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पर पर्टिकुलर कॉटन इंडस्ट्री है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली दे आर टेलिंग अबाउट द प्राइस इन द कॉफी, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन रेट विच इज अ मैक्रो इकोनॉमिक थिंग। यस यस, सिंपल है, इजी है, आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई कर लेंगे, मतलब इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। जिसने भी जिंदगी में कभी कुछ पढ़ा नहीं होगा एमसीक्यू, आज बेटा तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर कैसा बड़ा बड़ा सवाल पूछा है, हमारी कोई फीलिंग नहीं है, इतना बड़ा सवाल पूछोगे? हाँ चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, कुछ नहीं है, अगेन नॉर्मेटिव पॉजिटिव पर सवाल है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है वो अपने को बताना है, ठीक है। सो द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक फाइंड आउट द रीजन फॉर पुअर परफॉर्मेंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक फाइंड आउट पुअर परफॉर्मेंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग वेदर सम ऑफ दिस गुड्स आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब्स द फैक्ट ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल पॉजिटिव इकोनॉमी इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेदर सम ऑफ द गुड्स आर गुड और बैड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब्स। सो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल 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 सही जवाब है, द आंसर इज बी। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करता है, मैंने आपको क्या बोला था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतने इतने हजार करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, डिस्क्राइब्स हुआ है, राइट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इवैल्यूएट, प्रिस्क्राइब करता है, इवैल्यूएट करता है वेदर इट इज गुड वेदर इट इज बैड, सो इट्स गिविंग मी द वैल्यू जजमेंट। सो इतना बड़ा ऑप्शंस देखकर घबराना नहीं है, सारा सब कुछ अच्छे से पढ़िए, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट थ्रू इट, यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। समझ में आ भी गई बच्चा पार्टी, समझ में आ भी गई हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत इजी है, बहुत इजी है, 19th वाला तो बहुत इजी है, बताइए 19th वाला। कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, बिजनेस साइकिल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विच इज नॉट विद इन द स्कोप, नॉट विद इन द स्कोप, बिल्कुल सही जवाब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट्स इन द स्कोप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स, है ना। कंजूस बच्चों लाइक वाइक कर दो ना, तुमको ऐसे शर्म नहीं आती क्या कि भाई अपने टीचर इतना अपने को अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, और हम यहाँ पर आकर लाइक भी नहीं करते हैं, अटेंडेंस भी नहीं लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ लगता नहीं अंदर से तुमको? हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट,
Business economics is normative in nature. Business economics also has a close connection with statistics. Business economists need not worry about the macro variables, and business economics is also called as variable managerial economics. Which of the statement is incorrect बोला है? Incorrect. तो इसमें से incorrect क्या है? बहुत सिंपल है. बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो भी है, बिजनेस इकोनॉमिक मैक्रो भी है, तो फर्क पड़ता है. तो ये गलत वाला है. सी इज द रॉन्ग ऑप्शन. सी इज द रॉन्ग ऑप्शन है ना, समझे एवरीवन? ओके अमेजिंग, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन्स. इकोनॉमिक गुड्स दैट आर कंसिडर्ड स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी इंक्रीज इन द क्वांटिटी. They do not exist in adequate quantity to satisfy the human to satisfy the requirement of the society. Our primary importance in satisfying the social requirement are limited to the man-made goods. So economic goods are considered scarce because of what? Scarce because of what? B is the right answer. जी हाँ, B is the right answer. ठीक है. Yes, it's simple. अगेन स्कैर्सिटी पर सवाल है. देखो बेटा, मैंने बहुत सारे चीजों को मार्क कर दिया ऑलरेडी तुमको. स्कैर्सिटी पर भर भर कर सवाल है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव पर भर भर कर सवाल है, माइक्रो मैक्रो पर भर भर कर सवाल है. ठीक है. सो द फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय वोटिंग डन बाय कंज्यूमर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कंज्यूमर प्रेफरेंसेज एंड लेवल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. सो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. Allocation of resources is determined in the free market economy. C is the right answer. Consumer preferences, because it is a free market economy. Demand side also plays an important role. So consumer preferences. Capitalist economic uses dash as the means of allocation of resources. बराबर छे, बराबर छे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग द रिसोर्सेज यूजिंग द मार्केट सिस्टम. इनकम विल टेंड टू बी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. पीपल डू नॉट गेट गुड गुड्स ऑफ देयर चॉइस. मेन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज आर नॉट रिवॉर्डेड एंड प्रॉफिट विल टेंड टू बी लो. सो यहां पर बताइए क्या होगा सही जवाब. डिसएडवांटेज ऑफ अलोकेटिंग रिसोर्सेज इज दैट इनकम विल नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट इज ए फॉर पक्की भैया. राइट, इजी है, बिल्कुल इजी है. रविराज कह रहा है सर जी कॉन्फिडेंस आ रहा है. दैट्स ग्रेट बेटा, दैट्स ग्रेट. यही तो हम चाहते हैं बेटा. हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए और आप लोग को बेटर फील हो, है ना. यस, ऑसम. चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मार्केट इकोनॉमी. फर्म डिसाइड हुम टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस. फर्म एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. हाउस होल्ड डिसाइड एंड गवर्नमेंट पॉलिसी आर प्राइमरी फोर्सेज दैट कैन गाइड द डिसीजंस ऑफ द फर्म्स एंड द वेयरहाउस. Not apply to market economy. Not apply. तो बहुत ही सिंपल है बेटा ये. Without revision सारे बन रहे हैं. बेटा free market economy. ये market economy मतलब कौन सा है? Capitalist वाला. So market economy में government का कोई संबंध होता नहीं है. लो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हमने देखा था. नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे क्या ड्राइव करेगी चीजों को? बिल्कुल ड्राइव नहीं करेगी. सो दिस इज द नॉट अप्लाई में क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी प्राइमरीली फोर्सेस दैट गाइड द डिसीजन. तो यहाँ पर वो कोई डिसीजन लेते नहीं है. मिक्स्ड इकोनॉमी में डिसीजन आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी. डिसीजन आर टेकन बाय प्राइवेट. डिसीजन आर पार्टली टेकन बाय स्टेट एंड पार्टली बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड नन ऑफ द अबव. बताइए क्या है इसका सही जवाब. बहुत ही अमेजिंग, सिंपल 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 सिंपल. मजा आ भी गई सर. जबरदस्त बेटा, जबरदस्त. An MCQ a day keeps the exam fear away. Very good, Tushar. बिल्कुल सही जवाब बेटा. पार्टली पार्टली इसका आंसर. पार्टली पार्टली.
partly by state, partly by private. The central problem in the economic central problem in economics is that of comparing the success of demand versus the economy. Market economics guaranteeing that the production occurs in the most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income for every citizens, allocating the scarce resources in such a manner that society's unlimited wants are satisfied in the best possible way. The central problem of economy kya hai? डी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही जवाब. डी फॉर डागा टेन. डी फॉर डागा टेन. डी फॉर डागा टेन. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी वेर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कैपिटल इज लोअर. कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द कैपिटल इज लोअर. डेवलप्ड इकोनॉमी वेर द टेक्नोलॉजी इज बेटर एंड डेवलप इकोनॉमी वेर द टेक्नोलॉजी इज पुअर. सो कैपिटल इंटेंसिव कहाँ पर होगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है. बहुत कैपिटल इंटेंसिव हम लोग सीआईटी तब यूज करेंगे जब हमारे पास कैपिटल ज्यादा है. सो कैपिटल सरप्लस जब ज्यादा होगा तो हम कैपिटल यूज करेंगे. लेबर ज्यादा होगा तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी यूज करेंगे. एलआईटी यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक. राइट, सिंपल था यार, सिंपल था मतलब. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर सेंट्रल क्वेश्चंस. तो यहां पर बताइए 29th वाला सवाल. हु प्रोड्यूसेस व्हाट, व्हेन आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड, हु कंज्यूम्स व्हाट, हाउ आर द गुड्स प्रोड्यूस्ड. मतलब यहां पर क्या क्या सवाल आ चुके हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. सो यहां पर ये वाला तो सवाल नहीं आता है कभी भी, ये वाला नहीं आता है. इन्होंने देखो थोड़ा सा है ना ट्विस्ट कर कर दिया है. ठीक है, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर. लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फर्दर प्रोडक्शन. तो जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाएंगे उतने ज्यादा कंज्यूमर गुड्स हम लोग आगे बना सकते हैं. कंज्यूमर गुड्स उतने ज्यादा आगे हम लोग कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं. राइट एवरीवन, चलिए. इन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जब यहाँ पर प्रॉफिट आ गया और जब यहाँ पर प्राइवेट आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पर कैपिटलिज्म आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर कैपिटलिज्म आएगा. ठीक है, यस. मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया फिर से. मैक्रो इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कैर्सिटी, द नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल, बिग बिजनेसेस, डिसीजन ऑफ द इंडिविजुअल. सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है. मैक्रो आ गया मतलब नेशनल इकोनॉमी. राइट, नेशनल इकोनॉमी. ऑसम. फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एडवांटेज ऑफ, फ्रीडम बोल दिया तो कैपिटलिज्म आ गया बाय डिफॉल्ट. फ्रीडम बोल दिया तो कैपिटलिज्म आ गया, फ्रीडम बोल दिया तो कैपिटलिज्म आ गया है. एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमम अंडर बोला है. क्या बोला है? दे आर मिनिमल. सो एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी मिनिमम कहाँ पर है? सोशलिज्म में है. सोशलिज्म है. एक्सप्लॉइटेशन इनइक्वालिटी कैपिटलिज्म में होती है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन इनइक्वालिटी मिनिमम कहाँ पर होती है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत होते हैं इस वाले, इसमें ऐसे टाइप के सवाल में बहुत सारे बच्चे गलत होते हैं. समझा क्या अभी? चलिए अगला सवाल. एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस रिफर्स टू प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटरमाइंड बाय द सेलर्स इन द मार्केट, प्राइस डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज यूजुअली द गवर्नमेंट एंड नन ऑफ द अबव. सो प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द सप्लाई और डिमांड, प्राइस डिटरमाइंड बाय द सेलर्स एंड प्राइस डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल अथॉरिटी.
सो एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस मतलब एक्सटर्नल अथॉरिटी दैट इज द गवर्नमेंट, ठीक है, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ भी गई हो बच्चा भारी, ऑसम। इन द इकोनॉमिक द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कंज्यूमर डू नॉट हैव मच मनी एज दे वुड विश, देर आर ऑलवेज सर्टन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज अलोकेटेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो बताइए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ए फॉर रखिए भैया, आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय, स्कैर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय रॉबिन्सन, लियोनल रॉबिन्स ने दिया था ना, लियोनल रॉबिन्स ने दिया था। साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन, साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, नो प्रॉफिट नो लॉस एंड कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, क्योंकि यार कैपिटलिज्म में तो होता ही है प्रॉफिट, कैपिटलिज्म में तो हम प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, डेफिनेटली प्रॉफिट इज द राइट आंसर फॉर दिस। देयर इज नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टडी बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स आर अनलिमिटेड एंड बोथ ए एंड बी, द आंसर इज बोथ ए एंड बी, बिकॉज रिसोर्स इज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, इजी इजी पीजी, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक स्टडी इज, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज, इट एनेबल्स टू एग्जामाइन द प्रॉब्लम इन राइट पर्सपेक्टिव, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। द मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इज द अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन द इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस, बिल्कुल सही, थियोरी और बिजनेस में गैप फिल कर देता है, इकोनॉमिक थियोरी और बिजनेस प्रैक्टिस में गैप फिल कर देता है, वही तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलर हाउस होल्ड, बिल्कुल सही जवाब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज कंडीशन, बिल्कुल सही जवाब, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल 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 सही जवाब, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा पार्टी आप लोग देख सकते हो, मिस्टर सतीश हायर द बिजनेस कंसल्टेंट टू गाइड हिम फॉर द ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस, द कंसल्टेंट विजिटेड हिज फैक्ट्री एंड सजेस्टेड सम चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टाफ अपॉइंटमेंट, लोन अवेबिलिटी एंड सो ऑन, विच ऑफ द अप्रोच इज दैट कंसल्टेंट यूजिंग, ही इज यूजिंग ग्रोथ ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस, मतलब ही इज यूजिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, प्रॉफिट मोटिव इज द मेरिट ऑफ, प्रॉफिट मोटिव इज द मेरिट ऑफ ऑब्वियसली कैपिटलिज्म, एंड डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी और ऑब्वियसली सोशलिस्ट। सो दिस इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग गाइस, सो वी हैव कंप्लीटेड 46 एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर नंबर 1, एब्सोल्यूटली कंप्लीटेड, दिस इज रियली अमेजिंग। कल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2, जहां पर हम लोग डिमांड सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सो प्लीज बी देयर, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, एंड यस डेफिनेटली गाइज, इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द अन अकेडमी, यू कैन गो ऑन द अन अकेडमीज एप्लीकेशन, आप लोग यहाँ पर आपका गोल सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ सी ए और सी ए फाउंडेशन। सो आज है आखिरी मौका आपके पास, 20% डिस्काउंट है, 28th of February है आज। सो इफ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन, टूडे इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू टू टेक द सब्सक्रिप्शन, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, राइट। सो जैसे कि मैं यहाँ पर ढूंढ पा रहा हूँ,
जस्ट अ सेकेंड, ये क्यों नहीं हो रहा है? यस, तो यहाँ पर आप लोग सी ए फाउंडेशन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड एज सुन थैंक यू फॉर द अमेजिंग सेशन सर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो देखिए बेटा, यहाँ पर फाउंडेशन पर आप लोग कर सकते हो क्लिक, और यहाँ पर आपको बाकी भी ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ प्लस, लाइट एंड आइकॉनिक, जहाँ पर लाइट में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, प्लस में आप लोगों को यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ, और आपको यहाँ पर आइकॉनिक में कुछ चीज़ें मिलेगी एक्स्ट्रा, और उसके लिए कुछ प्राइस भी आपको देनी पड़ेगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, राइट। सो मैं सब्सक्राइब नाउ पर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, तीनों ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ DAGA10 एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद द प्लस क्लासेस, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ये देखो तीनों ऑप्शंस आ गए आपके सामने। वेबसाइट थोड़ी सी धीरे चल रही है आज, आई डोंट नो। यस, तो यस डेफिनेटली गाइस, यू कैन यूज दिस कोड दैट इज DAGA10 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, ठीक है। Got it everyone? So you can decide the prices for the 24 months or 18 months or 12 months or 6 months or 4 months. So सारे प्राइसिंग डिटेल्स आपके सामने है, 20% डिस्काउंट है, आज है आखिरी दिन। आइकॉनिक की डिटेल्स भी आपके सामने हैं, और यहाँ पर लाइट के भी डिटेल्स आपके सामने हैं। सो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरी वन, टाटा।